हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि हम मान लो, देखो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिस्काउंट। मान लो कोई प्रोडक्ट है, हम किसी रिटेलर से उसको परचेज करके लेके आए हैं, या हम कोई माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हम उसको उसके डिस्काउंट एप्लीकेबल कैसे करेंगे। ओके, तो देखिएगा, अब हम उसको कोड को डिक्लेयर चलाते हैं। ओके, देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वही लगाया आपको, हैज इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। ओके, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन आ गया वॉइड मेन बॉडी। मैंने इंटीजर टाइप के अंदर पहले मैंने पी क्यू पी पी वी एक वेरिएबल लेने जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट। ओके, इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देना चाहूंगा कैश। मान लो मैं जब क्या करूंगा, इसको पेमेंट भी करना है मुझे और अपना बैलेंस भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस नाम का वेरिएबल ले लिया, और इसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे कैर नाम के इसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ले लिया मैंने वेरिएबल 20। इसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने पीसी, यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, देखिएगा मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे एंटर करा, एंटर द प्रोडक्ट नेम एंड कोड, यानी कि मैंने एक ही लाइन के अंदर दोनों चीज इनपुट कर दूंगा। स्कैन ऑफ लगाए के परसेंटेज कोड यहाँ पे एक पीएन के अंदर जाएगा और एक पीसी के अंदर जाएगा। ओके, फिर मैंने क्या करा, प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर द प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड, सॉरी एंटर द परचेज क्वांटिटी आएगा, मैंने कितना प्रोडक्ट खरीदा, परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, यानी कि एंटर करेंगे क्वांटिटी एंड प्राइस। यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्कैन ऑफ परसेंटी दो वैल्यू है तो एक साथ इनपुट है पी क्यू, एक वेरिएबल जाएगी कहाँ जाएंगे पीपी के अंदर। अब हम इसके अंदर वी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इंटू पीपी। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटी स्लेस एंड, ये वैल्यू मेरी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करना है, आप डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट इक्वल्स टू जितने का आपने सामान लिया इतने का, और मुझे इस पे क्या कितना चाहिए, 18% उस पे डिस्काउंट चाहिए, तो 18% आपका डिस्काउंट प्रिंट हो जाए। तो यहाँ प्रिंटअप के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइप करते डिस्काउंट डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या डिस्काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद मुझे एक चीज और प्रिंट करना है, टोटल बिल कितने का बैठ गया, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा टोटल, क्या ले जाएंगे टोटल, क्योंकि डिस्काउंट घटाना है, तो डिस्काउंट आपको टोटल बिल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे वी माइनस डिस्काउंट, यानी कि जितना आपका आपको पेमेंट कितने का करना है। जाहिर सी बात है जब आप सामान खरीदते हैं कोई भी, तो डिस्काउंट जुटता है कि घटता है, घटता है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल आ गया आपका। ओके, अब इसके बाद में टोटल बिल आपका इतना बैठ गया, तो आपने रिटेलर ने आपसे पैसे मांगे, एंटर द कैश पैड, यानी कि एंटर द कैश पैड, आप कितना उसको कैश पैड करोगे। तो यहाँ पे स्कैन ऑफ लगाया पर्सन डी कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा एम परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसके अंदर कैश पेमेंट कैश में जाएगा। ओके, तो बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना, बैलेंस इक्वल्स टू जितना आपने कैश पेमेंट किया उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे टोटल। ओके, तो यहाँ प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ जाएगा बैलेंस इक्वल्स टू पर्सन डी कॉट कॉमा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बैलेंस। ओके, और अब देखिएगा मैं इसको दोबारा से करता हूँ, आपको देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको प्रोडक्ट नेम एंटर करना है तो वो पीएन वेरिएबल में जाएगा, प्रोडक्ट कंपनी एंटर हो जाएगी पीसी के अंदर, तो मैंने क्या कर दिया एंटर द प्रोडक्ट नेम एंड कोड। ओके, यहाँ पे वो इनपुट हो चुका है स्कैन अप लग के, ये आपको समझ। फिर मैंने क्या करा, एंटर द परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस, वो डाल दिया मैंने पीक्यू के अंदर है पीपी के अंदर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर कहा जाएगा वैल्यू, ये आ गया टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल बिल आपका इतने का बैठेगा, बिल आपका टोटल इतने का हो गया। ओके, ये है विदाउट डिस्काउंट। ओके, विदाउट डिस्काउंट बिल बैठ चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ये क्या, ये डिस्काउंट अलाउ हुआ, क्या हुआ डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट अलाउड आपको कितने का हुआ, 18%। ओके, अब वो 18% कैलकुलेशन होके जितने का सामान है उसका 18% निकाल के वो डिस्काउंट में डीएस वेरिएबल में जा चुका है, और यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आपका कितने का बिल बैठेगा, तो आप खुद बताइए कि जितने का आप सामान खरीदते हो, सामान में से आपको अगर वो रिटेलर यदि वो दुकानदार आपको इतने का ऑफर कर रहा है तो वो डिस्काउंट जोड़ेगा घटाएगा, तो घटाएगा, तो आपका इतने का बिल बैठ चुका है, तो वो बिल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, आप जो सामान फ्री में लेके आओगे नगद,
आप जाहिर सी बात है नगद लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिया। अब जितना मैंने कैश दिया, कैश में से हमेशा टोटल घटता है, उसका रीजन भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रोग्राम रन करके। और वो वैल्यू कहाँ चलेगी, माइनस हो गया बैलेंस के अंदर। इसके बाद उसको मैंने बैलेंस को प्रिंट कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे कंपाइल डिस्काउंट डॉट सी। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैं इसको सेव कर चुका हूं डिस्काउंट के नाम से। ओके, तो कैसे करेंगे आप, यहां से इसको पहले कंपाइल करेंगे। ओ, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर है, चेक करें। ये कह रहा है कांट नाइट फाइंड ओपल यूजर ड्यूटी फाइंड डॉट डिस्काउंट डॉट ईएक्सई। तो सेव करने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ दोबारा चेक करें। यस डॉट सी कंपाइल, हाँ रन हो चुका है। ओके, कुछ नेम करने वगैरह। अब देखिएगा मैंने क्या करा, यहाँ पे साबुन खरीदा 100, किस कंपनी का, परसोना। इसके बाद क्वांटिटी पूछ रहे हैं आपने कितनी 45 साबुन परचेज किए, कितने की 47 के। तो देखिएगा आपको जो साबुन मिला 45, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो चुका, बट दिस गड़बड़ क्या हो गया, गलत हो रहा है कोड, एक बार चेक करें दोबारा से। मैंने कुछ फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, पी क्यू एंड पी पी फॉर्मूला तो सही है। ओ कॉमा लगाइए, यहाँ पे वी नहीं प्रिंट हो रहा, ध्यान से देखिए यहाँ पे वी की वैल्यू नहीं प्रिंट हुई। और जब ऐसी एरर आती है तो ऐसी एरर को बोलते हैं रन टाइम एरर। हमारे प्रोग्राम के अंदर दो तरह की एरर होती है, देखो दिखाऊं आपको। अगर मान लो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया और यहाँ पे अगर मैं कोड को कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ चुकी है। देखिएगा ये दिखे रहा है एक्सपेक्टेड इज द सेमी कोलन इन डी आई एस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पर डी आई एस ऊपर यानी कि बी फोर। ओके ये रहा, देखो ये लिखा हो ना बी फोर, इससे पहले डी आई एस से पहले एक्सपेक्टेड करता है सेमी कोलन, यानी कि डी आई एस से पहले एक्सपेक्टेड यहाँ पे ही कहीं छूटा हुआ है। तो देखिएगा डी आई एस ये रहा, इससे पहले वाली लाइन ये रही। तो ये वाली जो एरर कहलाती है, ये कहलाती है हमारी कंपाइल टाइम एरर। जब प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता वही एरर आ जाती है कंपाइल टाइम, और वो एरर कंपाइल टाइम कहलाती है। रन टाइम एरर वो कहलाती है जब हमारी रन टाइम इस तरह यहाँ पे आती है। देखिएगा मालूम मैंने यहाँ पे क्या लिया, सोप लिया परसोना का, यहाँ पे मैंने 6547। तो देखिएगा आप ध्यान से 3055 रुपए की आपकी साबुन हो चुकी, आपको 18% निकाल के यानी कि 529 रुपए का आपको डिस्काउंट में टोटल बिल कितने का बैठ गया, 2506 रुपए। एंटर द कैश पेमेंट, आप कितना दोगे, 3000 रुपए आपने कैश दे दिया। तो देखिए बैलेंस आपका निकलता है। एक गड़बड़ हो रहा है कि आप इसको नेक्स्ट लाइन वाइज लगाइए तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट लाइन वाइज में ही सही रहेगा, नेक्स्ट लाइन में इस तरह से ये रहा। ओके ये रहा, यहाँ पे इसको और तो कहीं नहीं छूटा। आप कंपाइल करें अगेन, मैंने यहाँ पे सो परसोना 6547, आप बिल्कुल सही आ रहा है। देखिएगा 3055 इतने का आप टोटल बिल, 2506 रुपए का आपका बिल बैठ चुका है, लेकिन आपने कितने दी, 2000 रुपए। अब खुद देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ समझना है हमें, यहाँ लॉजिक है थोड़ा सा हमारा। अगर आपका बिल बैठ रहा है 2506 रुपए और आप उस दुकानदार को दे रहे 2000 रुपए, बैलेंस दुकानदार का है कि आपका है, प्लस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, बिल्कुल आ रहा है क्योंकि आपको पे करना है। ओके इसलिए हमेशा हमने क्या करा, कैश में से टोटल को माइनस किया। यदि मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं देखिएगा, और मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया क्या, माउस ले लिया, माउस किसका, डेल का परचेज किया मैंने यहाँ पे, 10 माउस परचेज की, एक कितने का है 525 कितने का है। तो देखिएगा माउस टोटल 5260 के बैठ चुके, 946 रुपए का आपको डिस्काउंट बैठ गया। आपका 5260 में से 946 रुपए घटा के टोटल बिल बैठ गया 4314 रुपए, और आपने इसको पेमेंट करा 4000 रुपए का। तो माइनस में जा रहा, माइनस का मतलब यानी कि आपको पे करना है। इस तरह से हमारा डिस्काउंट का वो डिस्काउंट का प्रोग्राम है। ओके तो ये था हमारा डिस्काउंट के अंदर। अगला जो कोड हम बनाएंगे वो किस टाइप का कोड बनाएंगे, वो बनाएंगे हम स्टूडेंट का। देखिएगा कैसे हमने क्या करा, हमें स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, हमें एक स्टूडेंट का नेम एंटर करने है, उसके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, उसका टोटल और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके करें, चलो तो जाहिर सी बात है मैंने क्या करा, इंटीजर के अंदर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ड्राइंग एसएसटी साइट
छह सब्जेक्ट हो चुके, क्या निकालना है टोटल और परसेंटेज, उसका नाम लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एस एन स्टूडेंट नेम और यहाँ पे एरे बना दिया, क्योंकि नेम किस में हो सकता है, बहुत से लेटर में हो सकते हैं, इसलिए इसको मैंने एरे बनाया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एंटर द स्टूडेंट नेम, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैनअप किया परसेंट एस, ओके कॉमा, और यहाँ पे किसके अंदर गया है एस एन के अंदर। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, यानी मार्क्स किसके करेंगे, हिंदी के। तो इस तरह से हम अच्छा लगेगा, परसेंटेज अलग अलग डाले, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डाले इस तरह ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन लेंथ ले बैठेगी तो अच्छा रहेगा। एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ओके स्कैन ऑफ परसेंटी एम परसेंट, इसको ई के अंदर डालेंगे। फिर एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, स्कैन ऑफ परसेंटी कॉट एम परसेंट, मैं एम के अंदर। फिर यहां पे क्या करेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी के बाद साइंस, यहाँ पे स्कैन ऑफ परसेंटी कोड एम परसेंट एस, प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर द मार्क्स ऑफ ड्राइंग, स्कैन ऑफ परसेंटी कोड एम परसेंट जी। फिर यहाँ मैंने क्या करा, एंटर द मार्क्स ऑफ किसका एस एस टी, स्कैन ऑफ परसेंटी एम परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका एस एस टी, ओके। इसके बाद आपको टोटल निकालना है, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ड्राइंग एस एस टी। टोटल का आपको फॉर्मूला पता है कि मार्क्स एंटर करने के बाद आपको इनका टोटल ऐसे फाइंड करना है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ड्राइंग एस एस टी। इसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना आपका टोटल होता है इनटू 100 और डिवाइडेड बाय आप इसको किससे कर देंगे यहाँ पे 600, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट में क्या प्रिंट करेंगे इसका टोटल मार्क्स, तो यहाँ मैंने क्या करा टोटल इक्वल्स टू परसेंटी स्लेस एन, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे परसेंटेज, एक लाइन में कर दिया मैंने परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट डी डबल कॉट कॉमा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टी और फिर हो जाएगा पी, ओके। अब चेक करें, अब इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं पहले स्टूडेंट डॉट सी। अब इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आप कंपाइल बटन पर क्लिक करेंगे, ओके। स्टूडेंट नेम दे दिया मैंने सोहन, ओके। इसके हिंदी में 65 है, इसमें 69, इसमें 45, इसमें 84, इसमें फेयर, हो गया। तो देखिएगा इसकी जो मार्क्स आए 331 टोटल बैठ रहा है, परसेंटेज बैठे हैं 61, ओके। तो इस तरह से हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करके उसका टोटल एंड परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यदि आपको किसी वीडियो में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हाँ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यदि मेरा वीडियो का आपको कंटिन्यू अपडेट मिलता रहेगा, ओके व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, बाय।